दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये बहुत ही मशहूर शहर का वीडियो है और मशहूर शहर का नाम है ज़िला दरभंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दरभंगा ज़िला, जो कि बहुत ही मशहूर ज़िला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है दरभंगा रेलवे स्टेशन। दोस्तों, दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन समस्तीपुर रेल मार्ग पर स्थित पूर्व मध्य रेलवे का एक हिस्सा है। दरभंगा जंक्शन से रक्सौल, जयनगर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जैसे पड़ोसी स्थानों के लिए कुछ स्थानीय यात्री ट्रेनें अक्सर अंतराल पर चलती है। स्टेशन भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में साबरमती एक्सप्रेस, बागमती एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस, दरभंगा पूरी एक्सप्रेस, गंगा सागर एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, दरभंगा हैदराबाद एक्सप्रेस, मिथिली एक्सप्रेस, मिथिलांचल एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एवं दरभंगा अहमदाबाद जनसाधारण एक्सप्रेस आदि शामिल है। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के तहत दरभंगा 1875 तक सरकार तिरहुत का हिस्सा था। जब इसे एक अलग ज़िले में गठित किया गया था, उपखंड पहले बनाए गए थे 1845 में दरभंगा सदर, 1866 में मधुबनी और 1867 में समस्तीपुर, तब ताजपुर के नाम से जाना जाता था। यह 1908 तक पटना डिवीज़न का हिस्सा था, जब तिरहुत डिवीज़न बनाया गया था और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था। राज्य में जिलों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप जो वर्ष 1972 में प्रभावी हुआ, मधुबनी और समस्तीपुर उपखंड को स्वतंत्र जिलों के रूप में उन्नत किया गया और फिर छटनी किए गए। दरभंगा जिले में दो उपमंडल है, अर्थात दरभंगा सदर और बेनीपुर, जिसमें कुल 12 विकास खंड शामिल है। दोस्तों, बिरोल उपखंड 1952 में बनाया गया था और बाद के चरण में 6 और विकास खंड बनाए गए, अर्थात हनुमान नगर, तारडीह, गौरा बोराम, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्व और अलीनगर। यह जिला उत्तर में मधुबनी जिले से, दक्षिण में समस्तीपुर जिले से, पूर्व में सहरसा जिले से और पश्चिम में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले से घिरा है। दोस्तों, ज़िले का नाम इसके एकमात्र शहर दरभंगा से लिया गया है, जो जिला मुख्यालय है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना दरभंगवी खान ने की थी। इसके बारे में व्यवहारिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह भी माना जाता है कि दरभंगा नाम द्वार बंगा या दारी बंगा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंगाल का दरवाज़ा। यह व्युत्पत्ति बहुत सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बंगाल और बिहार के बीच विभाजन सदैव पूर्व की ओर रहा है। हालांकि बंगाल के साथ भाषाई और सांस्कृतिक जुड़ाव यहीं से शुरू हुआ कहा जा सकता है। दोस्तों, दरभंगा शहर को 1961 में एक शहर जनसंख्या 1,00,000 और उससे अधिक का दर्जा प्राप्त हुआ। दरभंगा के महाराजा की सीट है। लहरिया सराय जो जिला और मंडल प्रशासन की सीट है, दरभंगा शहर का एक हिस्सा है। राज क्षेत्र महलों, मंदिरों, कार्यालयों, पार्कों, उद्यानों और तालाबों का एक अच्छी तरह से विकसित और खूबसूरती से बनाया गया परिसर है। कर्मिक महाराजाओं द्वारा निर्मित कई महल हैं, उनमें से महत्वपूर्ण है नारगोना पैलेस, रामबाग पैलेस, आनंद बाग भवन और बेला पैलेस। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में कई इमारतें उपयोग में है। पुरानी राज लाइब्रेरी को LN मिथिला विश्वविद्यालय ने अपने कब्जे में ले लिया है। शायद दरभंगा भारत का एकमात्र शहर है जिसके एक परिसर में दो विश्वविद्यालय है। दरभंगा के महाराजा पारंपरिक रूप से कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक रहे हैं और अपनी उदारता के माध्यम से उन्होंने हमेशा मैथिली और संस्कृत के विद्वानों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। राज की स्थापना करने वाले महेश ठाकुर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। यह संपत्ति उन्हें सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई थी, जो एक विद्वान और महेश ठाकुर के शिष्य रघुनंदन झा से बहुत प्रभावित थे। दोस्तों, यह जिला मछली, आम और मखाना के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसके शैक्षणिक संस्थानों में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, चंद्रधारी मिथिला विज्ञान कॉलेज दरभंगा, मेडिकल कॉलेज, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज और कई अन्य संस्थान शामिल है। दो शहरी स्थानीय निकाय है, नगर निगम दरभंगा और बेनीपुर, नगर परिषद बेनीपुर। नगर परिषद को 29 वार्डों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बेनीपुर नगर परिषद की जनसंख्या 75,317 है। दोस्तों, दरभंगा एक नगर निगम शहर है। वर्तमान में यह दरभंगा जिले के साथ साथ दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय है। दरभंगा बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यह उत्तर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जिलों और बड़े शहरों में से एक है। दरभंगा को मिथिलांचल का हृदय भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 39,37,385 है।
पुरुष जनसंख्या 20,59,949 है और महिला जनसंख्या 18,77,436 है। दरभंगा शहर की जनसंख्या 3,71,356 है। दरभंगा ज़िले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,279 वर्ग है किलोमीटर। यह 85° 45' पूर्व और 25° 53' उत्तर देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।